नमस्कार टू ऑल द एस्पिरेंट्स, जय हिंद। माय नेम इज प्रतीक एंड वेलकम यू ऑल टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होकर अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही सीरियसली कर रहे होंगे। सो गाइस गुड मॉर्निंग, हाउ इज द जोश? जल्दी से बता दो, जोश हाई है कि नहीं है? फट फट जल्दी से मुझे बताओ क्या है, इससे मुझे आपके बारे में पता भी चलता है, ठीक है? और जल्दी से चैट में लिखो भारत माता की जय। चलो सुबह सुबह सेशन का आरंभ पूरे जोश के साथ हमने यहाँ पे कर दिया है। और आपको दोस्तों पता है, हर सुबह आपको 8 बजे ऐसे ही आपको डेली करंट अफेयर का सेशन आपको देखने को मिलता है, जहां पे हम जो भी हमारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से कैटेगरीज में, जैसे हमारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गए, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन का कोई न्यूज हमारा हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे कह सकते हो हमारा कोई कमिटी से जुड़ा हुआ हो गया, अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ हो गया, ठीक है, तो सारे यहाँ पे जो भी हमारे जो कैटेगरीज है सबको यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच से क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसको समझते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं और कई सारी चीजें यहाँ पे हम सीखते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे क्या यहाँ पे जिम्मेदारी दोस्तों बनती है, अगर आप यहाँ पे लाइव यहाँ पे जुड़ चुके हो तो आपको यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, इस लिंक को शेयर करना है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो दोस्तों के साथ, या फिर जो भी आपके डिफेंस एग्जाम की जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज दोस्तों आपको पता है 18 जनवरी 2023 का आपका दिन है और यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर सेशन यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले सेशन को लाइक जरूर कर दो दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों आरंभ करते हैं आज का हमारा सेशन का। बट बिफोर वी बिगिन, आपको तो दोस्तों पता है मैंने पिछले क्लास में आपको एक सवाल पूछा था, क्या आपको याद है दोस्तों? याद होना ही चाहिए, ठीक है। सवाल क्या था? सवाल ये था कि इनमें से आपके कौन से प्लेयर है जो हाल ही में आपके इन्होंने इतिहास आपका यहाँ पे रच दिया क्रिकेट के फील्ड में। क्या है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि ये आपके ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो आपके 5th हाईएस्ट रन स्कोरर आपके बन गए हैं आपके वनडे इंटरनेशनल में, क्रिकेट के आपके स्पोर्ट में, ठीक है। तो इसका मुझे जल्दी से मुझे जवाब बता दीजिए, ठीक है। जो आपका पिछले क्लास में नहीं बता पाए थे इसका जवाब, वो अभी भी आपका यहाँ पे देख के बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये हमारे किंग कोहली जी, ठीक है। तो हमारे जो विराट कोहली जी है, हमारे जो किंग कोहली जी है, हमारे किस्म से आपके साथ हमारे जो ब्राउन मुंडे हैं, इसने आपका यहाँ पे क्या कर दिया है, अपना इतिहास अपना यहाँ पे रच दिया है और ये आपके 5वें आपके ऐसे खिलाड़ी आपके बन गए हैं जो सबसे ज्यादा आपके आपके स्कोरर आपके बन गए हैं आपके वनडे इंटरनेशनल में, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी बात करें टॉप 5 में कौन से देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे जो क्रिकेट के जो भगवान है जिसका नाम आपका सचिन तेंदुलकर जी है, ये आपको अभी भी 1st रैंक में आपको देखने को मिलेंगे एज अ हाईएस्ट रन स्कोरर इन वनडे इंटरनेशनल, ठीक है। आपको पता दोस्तों कि क्रिकेट की फील्ड में आपको कई सारा आपको फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं, टेस्ट क्रिकेट देखने को मिलता है, वनडे इंटरनेशनल देखने को मिलता है, आपको T20 देखने को मिलता है, आने वाले समय में आपको T10 भी क्या पता देखने को मिले, ठीक है ना। तो ये वनडे इंटरनेशनल की बात हो रही है, ठीक है। इसमें आपका विराट कोहली आपका सबसे ज्यादा आपके स्कोरर आपके रन स्कोरर आपके बन गए आपके 5th रैंक में आपके, ठीक है, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो सचिन तेंदुलकर है, फिर आपको यहाँ पे हमारे श्रीलंका के हमारे बहुत ही महान खिलाड़ी है हमारे संगकारा जी, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया के आपको आपके पूर्व कप्तान आपको पॉन्टिंग जी आपको देखने को मिलेंगे 3rd रैंक में, फिर आपको यहाँ पे श्रीलंका की भी बहुत ही आपके वेटरन आपके खिलाड़ी है और मैं पर्सनली बोलूं मैं इन आपके सनत जयसूर्य का बहुत बड़ा फैन आपके टाइम में बचपन में हुआ करता था, तो ये आपके 4th रैंक में, और 5th में आपके विराट कोहली जी आ गए हैं, पहले आपके जयवर्धनी जी आपके यहाँ पे थे, ठीक है। तो श्रीलंका का आपको अच्छा खासा आपको टॉप 5 में आपको डोमिनेंस देखने को मिलता था, अब आपको विराट कोहली ने इनको रिप्लेस आपका कर दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी खबर है, इसकी जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपने पहले यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज में, क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोल्लम जो आपका केरल का आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जगह है, ये आपका वहां का एक इंपॉर्टेंट आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये भारत का पहला आपका ऐसा जिला आपका बन गया है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनली आपका एक लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कोल्लम जो आपके जो ये जिला आपका है जो डिस्ट्रिक्ट आपका केरल राज्य का है, यहाँ की जितनी भी जो जनता है आपकी वो आपका पूरा एक किस्म से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी गई आपकी, आपको पता है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में कई सारी चीजें लिखी गई है, जैसे राइट टू एजुकेशन आपका हो गया है, फंडामेंटल राइट्स आपके हो गए, बेसिक राइट्स आपके हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल आपके जो राइट्स आपके होते हैं, ठीक है, राइट टू लिव आपका हो गया है, तो जितने भी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ठीक है, ये सारे जो आपका जो इसकी जो एजुकेशन है ये आपकी कोल्लम की जो जनता है इनको आपका इनको आपके कह सकते हो इनको यहाँ पे दिया गया है, इनको पूरा लिटरेट बनाया गया है, इनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की सारी जो राइट्स है इनको जनता को बताई गई है,
कितनी इंपॉर्टेंट आपकी बात है, कितनी अच्छी आपकी बात है कि अगर आपका, देखो अगर आपकी आम जनता को, अगर संविधान के अगर जो भी लिखित जो राइट्स है अगर जनता को बताई जा रही है, उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको लिटरेसी इसमें दिया जा रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। अगर जनता ही, आपके संविधान में जो चीजें लिखी गई है ये तो हम जैसी जनता के लिए लिखी गई है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बट इस वी द पीपल ऑफ इंडिया में जो पीपल है उन्हें कुछ पता ही नहीं है मैक्सिमम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उनके हक के बारे में लिखा गया, ठीक है। तो ये चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और केरल सरकार में देखो आपने यहाँ पे अच्छा आपने यहाँ पे काम किया है कि कोल्लम जैसे जिलों का आपका कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, जनता को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी बातें पढ़ाई गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपकी खबर है। और इसी के साथ आपका ये पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट आपका कोल्लम आपका भारत का आपका बन गया है। तो ये आपका कोई चटमंगनी पट ब्याह वाला आपका यहाँ पे काम नहीं हुआ है, इस पे पूरा आपको कैंपेन्स किया गया था केरल सरकार के द्वारा, वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हुआ है। और यहाँ पे वहां की जनता को पूरा एजुकेट किया गया कैंपेन्स के थ्रू कि आपको अपने जो भी बेसिक राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लिखे गए इसके बारे में आपको एजुकेट हमें यहाँ पे करना ही चाहिए। तो इसका सिंपल सा दोस्तों ऑब्जेक्टिव था इस कैंपेन का कि हमें यहाँ पे कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमें लिटरेट बनाना है, इनको अच्छा खासा हमें पढ़ा लिखा यहाँ पे सिर्फ आपको बातों में नहीं करनी है, इनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हमें यहाँ पे बताने। ये जो पूरा जो दोस्तों आपका जो इनका अचीवमेंट केरल सरकार का वहां के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, ये आपका पूरा लगभग 7 महीने लंबा इनका पूरा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी इनका पूरा कैंपेन चल रहा था। पूरा हर जगह आपका यहाँ पे गली मोहल्ले में जाके कोल्लम में आपका यहाँ पूरे कैंपेन्स करते थे, लोगों को समझाते थे, अच्छा खासा यहाँ पे गाइड करते थे कि संविधान में आपके बारे में चीजें क्या लिखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका कई लोग का यहाँ पे योगदान है दोस्तों। कोल्लम का जो आपका जो पंचायती सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत आपका हो गया है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आपका हो गया है दोस्तों, इवन आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो केरल का है सबका यहाँ पे सहयोग से आपका यहाँ पे कोल्लम की जिला को, जो कोल्लम आपका जो जिला है वहां के लोग में आपका अवेयरनेस बढ़ाया गया है, और जो कंट्री में जो आपका कानून व्यवस्था है और जो अधिकार आपके जो आपकी जनता के होने चाहिए पूरा डिटेल में यहाँ पे लोगों को समझाया गया है। यही अगर आपको कोल्लम में अगर हो सकता है तो ये पूरे भारत में क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हम जैसे जो लोग हैं, हम यहाँ पे जो भी हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, नेता वगैरह आते हैं, हम उनके पैर छूने लग जाते हैं, हम उनको एक किस्म से एक तरीके से सर में एक तरीके से बैठा के रख लेते हैं। ये सब चीजें क्यों हो रही है, जनता आपकी इतनी अनवेयर क्यों है, इतना सर पे क्यों लोग को आपका नेता को आपका चढ़ाती है, ठीक है। जबकि संविधान में लिखा हुआ भैया पावरफुल आपका यहाँ पे नेता नहीं है, पावरफुल तो आप हो, पावर तो आपके पास है, ठीक है। आप क्यों उन लोग को सर चढ़ा रही है, तो आपके सर्वेंट्स है, ठीक है। बट क्योंकि हम यहाँ पे अनएजुकेटेड है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी चीज ज्यादा लोगों को नहीं पता है, हम तो यहाँ पे तैयारी करें दोस्तों, हम तो यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वगैरह पढ़ते तो हमें समझदारी आ जाती है इसके रिगार्डिंग। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ इंडिया, उनको तो नहीं पता चीजें, हर कोई आपके डिफेंस की तैयारी सिविल सर्विस की तैयारी तो कर नहीं रहा है मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ अवर जनता, तो ये उनको भी बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एक अच्छी आपकी खबर है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी जो कोल्लम की जो आपकी पॉपुलेशन है, इवन जो आपके 10 साल से अबव की जो एज आपकी जो बच्चे आपके हो गए, ठीक है, उन सारे लोग को आपका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में बताया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया पूरा अच्छे से डिटेल में आपका बताया गया है, जो भी आपके संविधान का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनाया गया था 46 में, क्या उसकी शुरुआत हुई थी, कैसे आपको वहां पे मेंबर्स ने अपना काम किया हुआ है, बेसिक प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजंस का लीगल रेमेडीज, सारे चीजें वहां की जनता को आपका यहाँ पे आपका सिखाया गया, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या ये हमारे पूरे एक तरीके से देश में होना चाहिए कि नहीं यहाँ पे होना चाहिए। चलो आगे हमें बात करते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया, पूरन चंद्र चौधरी, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो आपका जो सोशलिस्ट वाला जो आपका वर्ड है ये कब आपका डाला गया था आपके भारतीय संविधान में, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है रिगार्डिंग आपका अपॉइंटमेंट की, ठीक है। तो OECD, ठीक है, ये आपको एक आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म आपका दोस्तों क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब ये आपकी ग्लोबल ऑर्डर में देखा जाए, आपके यहाँ पे पूरे विश्व भर में देखा जाए दोस्तों, तो ये आपका जो संस्था आपका है, ये आपका पूरे आपका जो कंट्रीज आपके होते हैं उनमें किस्म से इकोनॉमिकल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, आपका सस्टेनेबल इसको बनाने के लिए आपका पूरा ये आपका काम आपका करता है, ठीक है। तो OECD के बारे में दोस्तों आपका पता होना चाहिए। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों यहाँ पे आपका
चीफ इकोनॉमिस्ट आपका यहाँ पे पोस्ट में, एक यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट फिगर को आपका यहाँ पे अपॉइंट आपका किया गया है, इनका नाम आपका यहाँ पे क्लायर लोमबर्दली है, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर भी दोस्तों देख सकते हो, ठीक है। तो क्लायर आपकी जो लोमबर्दली आपकी है, इनको OECD का आपका चीफ इकोनॉमिस्ट आपका यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपकी खबर है रिगार्डिंग आपका अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपकी जो क्लियर आपकी जो लेडी है, इन्होंने आपका किसको यहाँ पे रिप्लेस दोस्तों किया हुआ है, तो ये आपका जो लॉरेंस बून, जो आपके फ्रांस के आपके रहने वाले थे, जो बिलोंगिंग थी, इनको रिप्लेस करके आपकी चीफ इकोनॉमिस्ट आपकी OECD की आपकी यहाँ पे बन गई है। और ये जो आपके जो लॉरेंस बून जी है, ये OECD के आपके चीफ इकोनॉमिस्ट आपके सिंस आपके यहाँ पे 2018 से आपके बने हुए थे, अब 2023 में यहाँ पे आपके रिप्लेस आपके ये हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे इनका अगर हम करियर की अगर हम बात करें दोस्तों, हमारी क्लेयर जी की अगर हम बात करें, तो क्लेयर जी धनंजय कुमार मिशन यहाँ पे बोले सॉरी सर फॉर लेट जॉइन, कोई बात नहीं, बट फिर भी ये आप मेक श्योर कर लिया करो कि एक तरीके से जो भी आपके काम वगैरह है आप उसको अच्छे से निपटा के फिर बाद में आप यहाँ पे किसम से अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो, ठीक है। मैं दोस्तों समझ सकता हूँ, यहाँ पे आपको अपना स्कूल आपका हो गया है, आपका ग्रेजुएशन आपका हो रहा होगा, आपका यहाँ पे आप बहुत ही बिजी अपने शेड्यूल में होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे लाइव लेक्चर्स में आपको अटेंड करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल से इसका इलाज है दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ बड़े भाई होने के नाते, एज अ यहाँ पे आपका यहाँ पे सर होने के नाते अगर मैं बोलूँ आपको, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको एक दिन पहले आपको टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें अगले दिन क्या करना है। डायरी वगैरह लिखना थोड़ा शुरू कर दो, थोड़ा आपका हैबिट अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दो। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो क्लियर आपकी लोमबर्दली जी है, ये दोस्तों आपकी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आपकी थी, आपकी यूके ट्रेजरी की, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, जैसे हमारे भारत में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जैसे ही आपके जो यूके में, या अगर हम यूएस की अगर बात करें, या आपके आपके ट्रेजरर्स आपके होते हैं, ठीक है, या आपकी भी फाइनेंस मिनिस्टर आपकी इस आपकी कंट्रीज में इक्विवेलेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। भारत में आपका वित्त मंत्री जैसा होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ये चीज आपको यूके यूएस में उतना नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे इनको ट्रेजरी आपको बोला जाता है, ठीक है, ट्रेजरर्स आपके होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी जो क्लियर आपकी जो है, ये आपकी यूके की ट्रेजरी की आपकी कहते दोस्तों आपकी एडवाइजर आपकी हुआ करती थी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आपकी हुआ करती थी, अभी आपकी OECD की आपकी आपकी चीफ इकोनॉमिस्ट बन गई, ठीक है। यहाँ पे इनका प्रमोशन आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे OECD की अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब कि पूरे विश्व भर में हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन विभिन्न कंट्रियों में कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं ग्लोबल ऑर्डर में, इसके रिगार्डिंग पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ठीक है। एक आपका इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है और लगभग आपके 38 कंट्री इसके दोस्तों मेंबर है, और ये आपका 1960 में आपका इस्टेब्लिश हुआ था, और ये आपको पता होना चाहिए इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये आपका फ्रांस में आपको पेरिस शहर में दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों मेरे मित्रों कि ये आपका जो OECD है, इसमें आपका भारत आपका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्या भारत आपका OECD का आपका मेंबर है, तो ये आपका मेंबर नहीं है, ठीक है। इसमें नॉर्मली आपको डेवलप्ड कंट्रीज ही आपको दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है रिगार्डिंग आपका जो स्पीशीज आपके होते हैं उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन में, एंडेंजर्ड लिस्ट में, इसको यहाँ पे आपके किस्म से उसके रिगार्डिंग आपकी पूरी बात आपकी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो आपको फ्लावर आप इसको कह सकते हो, श्रब यहाँ पे आप उसको बोल सकते हो, जिसका नाम आपका नीला कुरजिनी है, ठीक है। तो नीला कुरिंजी आपका जो है, ठीक है, तो नीला कुरिंजी जो आपका एक श्रब है, बहुत ही एक खूबसूरत आपको फ्लावर टाइप का आपको देखने को मिलेगा। भारत सरकार ने इसको यहां पे खासकर हमारा जो पर्यावरण का जो हमारा जो मंत्रालय है, इसने इसका आपका यहां पे इस प्लांट को आपका प्रोटेक्टेड लिस्ट में इसको आपका यहां पे रखा गया है, प्रोटेक्टेड प्लांट लिस्ट में इसको यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो पर्यावरण का जो हमारा जो मंत्रालय है, खासकर हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने हाल ही में इस आपके नीला कुरिंजी जो आपका प्लांट है, इसको आपका यहाँ पे पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 3 में इसको प्रोटेक्टेड लिस्ट में इसको यहाँ पे डाला है, इंक्लूड आपका किया गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आपका जो प्लांट का आपका जो स्पीशीज है ना दोस्तों, आपका जो नीला कुरिंजी, ये बड़ा ही रेयर है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है, ये आपको विश्व भर में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको सिर्फ आपको प्यारे भारत में आपको मैक्सिमम तौर पे आपको देखने को मिलेगा, बट फिर भी ये आपको रेयर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड प्लांट्स में डाला गया है, और ये आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने हाल ही में अपना जो प्रोटेक्टेड लिस्ट का जो संख्या है, ठीक है, वो 9 से बढ़ा के, सॉरी आपका 6 से बढ़ा के
19 कर दिया है, और इसी के तहत आपको पता होना चाहिए कि नीला कुरुंजी भी आपका इसी के अंतर्गत आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये जो आपका जो नीला कुरुंजी आपका जो पौधा है या आपका जो श्रब किस्म का है, अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत आप यहाँ पे देख सकते हो कितना पर्पलिश आपको यहाँ पे खूबसूरत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप जाओगे, मैं आपको डिटेल बताऊंगा कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे क्या है, क्या इसका पूरा आपका यहाँ पे सिस्टम रहता है, हम बात करेंगे। बट देखो कितना खूबसूरत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कितनी अच्छी यहाँ पे आपको सेल्फी देखने को मिलेगी, आप यहाँ पे खुद सोच लो। ठीक है, भारत है, भारत में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे आपको जगह आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपका कोई भी व्यक्ति अगर आपका यहाँ पे इस आपके पौधे को आपका डिस्ट्रॉय करता है, इसको छेड़खानी अगर करता है, तो उस इंसान पे आपका लगभग 25,000 का फाइन लगेगा और लगभग 3 साल की आपकी सजा यहाँ पे हो सकती। तो दोस्तों, अगर आप कहीं पे अगर यहाँ पे इस पौधे को देखो और यहाँ पे अगर कोई भी मस्ती वगैरह करो, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ऐसा मत करना, फाइन आप पे यहाँ पे लग सकता है, आपको यहाँ पे जेल भी आपको यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, इसका जो पूरा जो कल्टिवेशन है या जो पोजिशन है, ये आपका नहीं हो सकता है, तो कोई भी इसका यहाँ पे कल्टीवेशन दोस्तों नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको भारत सरकार में पूरा अच्छे से मेंशन किया गया। ठीक है, अब नीला कुरुंजी आपका यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब बात करते हैं। तो नीला कुरुंजी आपको ऐसा श्रब प्लांट के तौर पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। ये नॉर्मली आपको भारत के वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेगा, ईस्टर्न में भी देखने को मिलता है, बट मैक्सिमम आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इन जंगलों में देखने को मिलता है, तो दोस्तों आपको ये शोला के जंगलों में देखने को मिलेगा आपको हमारे यहाँ पे दक्षिण भारत में। ठीक है, अब जो नीला कुरुंजी जो आपका जो पूरा आपका जो आपका पौधा आपका है, खूबसूरत आपका जो प्लांट है, ये आपको वायलेट ब्लू कलर का आपको यहाँ पे किस्म से आपको फील आपको यहाँ पे देता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बड़ा आपको हैरानी करने वाली बात है कि ये आपका जो 12 साल में, देखो नीला करुंजी की खासियत क्या है दोस्तों, कि ये 12 साल में सिर्फ एक बार आपका ब्लूम करता है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लूम, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो पौधे आपके जो प्लांट्स आपके होते हैं, ठीक है ना, ये आपके अनफोल्ड होते हैं, आपके किस्म से आपके ओपन होते हैं, ठीक है, सीजन के हिसाब से, डे नाइट के हिसाब से। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो व्हाइट लिली आपने अगर देखा होगा, ठीक है, तो कुछ आपके पौधे होते जो आपके आपके डेलाइट वाले आपके होते पौधे, ठीक है, जो दिन में आपके यहाँ पे ओपन होते खुल जाते और रात में आपके बंद हो जाते, आपको पता होगा। ठीक है, आपके आपको पता होगा कि कई सारे आपके पौधे आपके होते फ्लावर्स आपके होते जो दिन में आपके जगमग आपके यहाँ पे खुल जाते हैं, और जैसे आपका रात हो जाती सनलाइट चले जाता है, आपके वापस से वो क्या होते हैं, आपके बंद हो जाते हैं। ठीक है, आपके जैसे व्हाइट लिली आपका हो गया, ठीक है, तो व्हाइट लिली आपका क्या है दोस्तों, वो आपके दिन में आपका पूरा बंद होता है वो पौधा आपका प्लांट आपका, और जब जैसे आपकी रात हो जाती है फिर आपको यहाँ पे किस्म से आपको खुल जाता है, व्हाइट लिली आपको पता होगा। ठीक है, तो ये इसमें पता क्या है, यहाँ पे डे नाइट की भी बात नहीं दोस्तों, नीला कुरुंजी आपका सिर्फ आपका 12 साल में सिर्फ एक बार आपका अनफोल्ड खुलता है, बाकी पूरे टाइम आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे बंद ही रहता है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इस चीज को ब्लूमिंग बोला जाता है। ठीक है, अब ये आपको जो आपके जो प्लांट आपका है ना, ये आपका पर्पल ब्लू कलर देता है, इसलिए आपके जो नीलगिरी के आपके जो पर्वत आपके है, श्रृंखलाएं आपके है, इसलिए यहाँ पे इनको ब्लू माउंटेन्स बोला जाता है। ठीक है, हमने अगर पढ़ा भी होगा कि नीलगिरीज को आपका ब्लू माउंटेन्स बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ दिस आपका प्लांट नीला कुरुंजी। ठीक है, और ये आपका दोस्तों एंडेंजर्ड स्पीशीज है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अब मैं आपको बताना पसंद करूंगा, अगर आप CDS NDA वाले अगर यहाँ पे हो, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेट आपको बोल रहा हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जितने भी लोग एग्जाम दे चुके हैं ना, आप खुद यहाँ पे बोल दो। ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाता है, एंडेंजर्ड लिस्ट में कौन है, वल्नरेबल लिस्ट में कौन है, एक्सटिंक्ट वाले में कौन सा है, प्लांट का फिर एनिमल का स्पीशीज हो गया, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो बेटा ये लेटेस्ट आपकी खबर है, एंडेंजर्ड लिस्ट में आपको नीला कुरुंजी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें बात करते हैं हमारा एक तरीके से G20 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे खबर है। दोस्तों मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि जो B20 आपका जो इंसेप्शन जो मीटिंग जो आपका होने वाला है, आपको पता है दोस्तों कि G20 हमारा जो मीटिंग वो इस साल हमारा सितंबर महीने में देखने को मिलेगा, और 8 दिसंबर 2022 हमने ऑफिशियली यहाँ पे हमने प्रेसिडेंसी भारत ने ली थी। ठीक है, तो कई सारे आपको मीटिंग्स देखने को मिलेंगे, शेरपा मीटिंग उदयपुर में हमने देखने को मिला, फाइनेंस मिनिस्ट्री का देखने को मिलेगा, और आपको B20 भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसी में आपका दोस्तों जो B20 जो इंसेप्शन जो मीटिंग है दोस्तों, ये आपका डिक्लेयर हो गया कि इसकी मीटिंग आपका गुजरात के गांधीनगर में आपको देखने को मिलेगी, और ये आपका देखो तो ये आपका 15th आपका मीटिंग हो रहा है B20 लेवल का। ये क्या है दोस्तों, आपको शब्द से ही समझ आ रहा होगा, B20 इसका मतलब ये है कि बिजनेस 20, मतलब इस आपके पूरे मीटिंग में हमारे जितने भी G20 के जो लीडर्स है, जो इंपॉर्टेंट हमारे जो लीडर्स है, जो आपके बिजनेस फील्ड से
जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे गांधीनगर में आएंगे और यहाँ पे जितनी भी जो आपकी जो कंट्रीज है ये बिजनेस लेवल पे ट्रेड लेवल पे कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको पूरी मीटिंग गांधीनगर में देखने को मिलेगी। आपको पता है भारत यहाँ पे क्या अहम आपकी भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो ये जो आपकी मीटिंग है दोस्तों ये आपका 22 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक आपका यहाँ पे चलेगा, ठीक है। ज्यादा आपका टाइम यहाँ पे नहीं बचा हुआ है और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आपका G20 के अंडर आपको मीटिंग आपको देखने को मिलेगी, नरेंद्र मोदी जी के आपको यहाँ पे लीडरशिप में आपको दोस्तों देखने को मिलेगी, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इस साल का आपका B20 का आपका यहाँ पे थीम क्या रखा गया है, बहुत ही सिंपल, रिस्पॉन्सिबल फास्ट इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस, ठीक है। वो सिंपल से आपको समझ आ गया थीम से यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें भारत में साथ ही साथ हमें जितने भी हमारे G20 हमारे जो कंट्रीज हैं हमें यहाँ पे बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल, बड़ा ही हमें किस्म से फास्ट, हमें इनोवेटिव और सस्टेनेबल हमें बिजनेस ग्रोथ हमें लेना है और यहाँ पे हमें अपने देश को यहाँ पे आगे यहाँ पे बढ़ाना है। चलो आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की रिगार्डिंग बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका मलेशियन ओपन आपका यहाँ पे हुआ था, बैडमिंटन स्पोर्ट में आपका हुआ था और जो मलेशियन ओपन टाइटल जो आपका हाल ही में आपका जो पूरा आपका इवेंट आपका हुआ था इसको आपके अकाने और आपके जो विक्टर है इसको ये आपका जीत चुके हैं। यहाँ पे इनको यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे विक्ट्री इनको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। विक्टर को विक्ट्री यहाँ पे मिल गई, ठीक है। आपका यहाँ पे विक्टर देख सकते हो ना, विक्टर भी आपका है, ये आपके डेनमार्क है, ठीक है। इनको यहाँ पे विक्ट्री मिल गई, साथ ही साथ आपके जो जापानीज आपके जो जी है इनको भी आपका यहां पे मलेशियन ओपन बैडमिंटन टाइटल दोनों ने आपका यहां पे जीता हुआ है। आइए यहां पे डिस्कस करते हैं। तो डेनमार्क के आपके जो विक्टर एक्सेलसन है ये आपके अगर मैं इनकी पूरी करियर की बात करूं ये 2 टाइम आपके वर्ल्ड चैंपियन आपके बैडमिंटन में रह चुके हैं और ये आपके ओलंपिक विजेता भी आपके रह चुके, ठीक है। तो इन्होंने आपका यहाँ पे मलेशियन ओपन को आपका जीत लिया है, साथ ही साथ आपके जो अकाने यामागुची जो है, ठीक है ना, ये आपके जापानीज खिलाड़ी है, ये भी आपके दोस्तों वर्ल्ड चैंपियन है, इन्होंने भी आपका यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपका ये आपका टाइटल आपका जीता हुआ है, मलेशियन ओपन को जीता हुआ है। ये दोनों डबल के खिलाड़ी नहीं है, मैं आपको बताना पसंद करूंगा, ये दोनों ने सिंगल में टाइटल जीता हुआ है, ठीक है। मेन कैटेगरी में आपका यहाँ पे डेनमार्क के खिलाड़ी जीते हुए हैं विक्टर जी और वुमेन कैटेगरी में आपका मलेशियन ओपन आपका यहाँ पे आपका अकाने जी आपकी जीती, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो बैडमिंटन के जो ओपन आपके होते हैं ना इसके बारे में आपको यहाँ पूरी अच्छे से डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि ये आपका जो पूरा आपका जो टूर्नामेंट था, खासकर आपका विक्टर की अगर मैं बात करूं तो विक्टर एक्सेलसन जो आपके डेनमार्क के हैं यहाँ पे इन्होंने सेकंड टाइम यहाँ पे आप कह सकते हो इन्होंने आपका यहाँ पे टाइटल अपना यहाँ पे जीता हुआ है और इन्होंने किसको यहाँ पे इस आपके मलेशियन ओपन में हराया है, तो यहाँ पे इन्होंने कोडाई नारोका जो आपके जापानीज के आपके जो खिलाड़ी थे इनको हरा के आपके विक्टर जी आपके मलेशियन ओपन जीते हुए मैन सिंगल फाइनल में, ठीक है। और आपके जो जापानीज आपकी जो अकाने जी है जो हमारे जो लेडी है इन्होंने मलेशियन ओपन कैसे जीता है दोस्तों, इन्होंने फाइनल में आपको पता होना चाहिए जो वर्ल्ड नंबर 4th आपकी जो खिलाड़ी है यहाँ पे एन से यूंग जो साउथ कोरियन खिलाड़ी है इनको यहाँ पे हरा के आपका अकाने जी आपकी मलेशियन ओपन दोस्तों आपकी ये जीती हुई है, जो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे खबर थी हमने यहाँ पे बात कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं और ये किस्म से आप कह सकते हो इंडिया को बहुत ही अच्छा यहाँ पे अचीवमेंट देखने को मिला है, चाइना को भी आखिर यहाँ पे झुकना ही पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपका फिगर है, आपका यहाँ पे पूरा यहाँ पे बॉडी है, नॉट फिगर आपका बॉडी आपका है। इसने आपका हाल ही में डिक्लेयर आपका कर दिया है कि जो अब्दुल रहमान आपका जो मक्खी है, ठीक है, जो मक्खी ही है एक्चुअली में, इसको आपका यहाँ पे ऑफिशियली यूएनएससी ने एज ए ग्लोबल टेररिस्ट आपका यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। चाइना बहुत टाइम से इसको रोकने का काम कर रहा था, हिंड्रेंस बन रहा था, इंडिया बहुत पहले से आपके यहाँ पे बात कर रहा था और यहाँ पे हाल ही में यूएनएससी ने आप देख सकते हो यहाँ पे आपका डिक्लेयर कर दिया है, चाइना को आकर यहाँ पे झुकना ही पड़ा, पाकिस्तान के लिए अच्छी आपके यहाँ पे बात नहीं, ठीक है। तो जो आपका जो पाकिस्तानी बेस्ड आपका ये जो आपका 2 कोड़ी का आपका जो टेररिस्ट है अब्दुल रहमान मक्की जी, ठीक है, इसको जी भी हम क्यों बोल रहे हैं, इसकी उतनी वो आपकी है भी नहीं, ठीक है ना। ये आपका एक्चुअली में दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये आपका यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट इसको यहाँ पे घोषित आपका कर दिया गया है और यहाँ पे मैं आपको बताना पसंद करूंगा ये आपका इसको पूरे अंडर कैटेगरी में आपका रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो अलकायदा पूरा सेंक्शन वगैरह पूरा आप कह सकते हो पूरा आपका अलकायदा किसका लिंक हो गया आपका यहाँ पे पूरा आपका जो जैश मोहम्मद जो भी आप ले लो इनका जो भी मोहब्बत वगैरह जो भी इनका रहता है हमें उससे फर्क नहीं पड़ना, हमें हमारे लिए इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो भारतीय सेना है
उनके सामने कोई भी है दोस्तों, भारतीय सेना के सामने उनके पास बंदूक है, उनके सामने जैश ए मोहम्मद आए, उनके पास लश्करे तैयबा कोई भी आ जाए, उनको तो मारना ही मारना है, सिंपल सी बात। उनको ज्यादा इतना उनके पास टाइम भी नहीं, हमारे भारतीय सेना के पास उनको मारने का काम है, वो अच्छा सा अपना काम करे, ठीक है ना, ये लोग अपना देख ले। अब ये जो यूएनएससी वाले इन्होंने अच्छे से डिक्लेयर कर दिया है, और यहाँ पे चाइना बहुत पहले से आपका यहाँ पे एक किस्म से आपका यहाँ पे ब्लॉकिंग का काम कर रहा था, बार बार आपका जो भी सैंक्शंस जो आपके हैं, जो आपका यहाँ पे कह सकते हो जो लगाने चाहिए थे, उसको यहाँ पे ब्लॉक कर रहा था, और इंडिया बार बार ये कह रहा था कि चाइना एक किस्म से हिंड्रेंस यहाँ पे बढ़ रहा है, और यहाँ पे ये जो आपका अब्दुल रहमान जी है, ठीक है ना, ये इसको आराम से एक किस्म से टेरेस यहाँ पे घोषित नहीं कर रहा, ठीक है। बट बहरहाल हमें यहाँ पे किस्म से मौका मिल गया है, और हमने यहाँ पे बाजी यहाँ पे मार ली है, और ये जो हमारे जो अब्दुल रहमान ये जो है हमारे, ये एक्चुअली जो हाफिज सईद आपको पता होगा ना, वो भी हमारे दो नंबर का हमारा जो है सो कॉल्ड हमारा टेररिस्ट है, ठीक है ना, तो वो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये आपका ये है इसका एक्चुअली ब्रदर इन लॉ है, ठीक है ना, ये आपका रहमान, ठीक है। तो ये इनमें आपस में इनका अपना कुछ स्टार्टअप वगैरह चलता होगा, ठीक है ना, टेररिस्ट वाला, बट सक्सेसफुल नहीं रह रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भारत भारत की तरफ से और यूएस की तरफ से इसको आपका यहाँ पे अब्दुल रहमान को पहले से घोषित कर दिया गया था कि इसको यहाँ पे हम एज अ ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर देखते हैं, फंड रेज करता है आपका, रिक्रूट करता है, रेडिकलाइज पाकिस्तानी यूथ को करता है रिगार्डिंग आपका टेररिज्म, इससे भारत आपका बहुत पहले स्थान रखा हुआ था कि भैया इसको ग्लोबल टेररिस्ट यहाँ पे मानो, बट वही आपका चाइना जो है वो एक तरीके से आपको पता चाइना का माल कैसा क्या रहता है, मैं उसके रिगार्डिंग नहीं बोलूंगा, बट ये आपके किस्म से आपका ये इसका दामाद था आपका हाफिज सईद का, लश्कर ए तैयबा जो भी इनमें तैयबा वैयबा रहता है वो भगवान जाने, बट ये है कि एक तरीके से अच्छा आपका यहाँ पे न्यूज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, रिगार्डिंग आपका इंटरनेशनल आपका रिलेशन जियो पॉलिटिक्स, और खासकर हमारे यहाँ पे जो नेशनल इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग आपका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। नेक्स्ट हमें बात करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका खबर है रिगार्डिंग आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे के रिगार्डिंग। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आपका यहाँ पे लगभग 1200 साल पुराना एक आपका ओल्ड मिनिएचर आपका जो स्तूपा आपका होता है उसको आपका खोज के आपका निकाला है नालंदा वाले यूनिवर्सिटी के पास से, कॉम्प्लेक्स के पास से। तो अच्छी यहाँ पे बात है, मतलब यहाँ पे आपको कई सारे आपको अभी भी हमारे भारत में जमीन के नीचे वो कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ASI ने हाल ही में आपका 1200 साल पुराना आपका ओल्ड मिनिएचर, अब आपको पता है मिनिएचर का मतलब क्या होता है, मिनिएचर का मतलब होता है कि एक तरीके से स्मॉल साइज का, ठीक है। अब जैसे आपका जो स्तूप आपके होते हैं ना दोस्तों, स्तूप तो आपके बड़े बड़े एज अ मॉन्यूमेंट के तौर पे देखते हैं, ठीक है, तो उसी का जो छोटा साइज का आपका जो होता है उसको मिनिएचर बोला जाता है, स्मॉल कॉपी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हमें देखने को मिला हमें यहाँ पे नालंदा के पास में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना पसंद करूंगा कि आपका जो नालंदा महाविहारा है, ठीक है, जो आपको देखने को मिलता है बिहार में देखने को मिलता है, जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हमारे यूनिवर्सिटी, वेल डेवलप्ड यूनिवर्सिटी है, ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको देखने को हमें ये मिला है, ठीक है। अब ये जो आपका आपको बताना पसंद करूंगा, ये आपका पूरा स्तूप आपका है, ये लगभग आपको पता होना चाहिए, लगभग आपका 7th सेंचुरी की आपकी बात की जा रही है, लगभग आपका 600 एनो डोमिनी के अराउंड आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पूरा ये स्तूप आपका तब का ही होगा, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करते हैं, स्तूप हमें मिल गया 1200 साल पुराना है, नालंदा जिले में हमें कॉम्प्लेक्स में हमें देखने को मिला है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, अच्छी बात है। बट स्तूप आपका होता क्या है, तो स्तूप आपको पता होना चाहिए, एक आपका आप कह सकते हो कि अंड प्रकार का आपका यहाँ पे ये स्तूप आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। स्तूप का आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा आपको हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर का आपको स्तूप आपको देखने को मिलता है, और इसमें आपको रेलिक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। रेलिक्स क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जितने भी हमारे जो बुद्धिस्ट हमारे जो मॉन्क्स थे, इवन हमारे जो गौतम बुद्ध जी, ठीक है, उनके जो अवशेष होते हैं बेटा, ठीक है ना, उनको यहाँ पे स्तूप में आपका रखा जाता है। खासकर यहाँ पे बात करूं इस आपके ऊपर वाले पार्ट में आपका रखा जाता है, कि आपके सांची का स्तूप आपको यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। तो सांची के स्तूप की अगर बात करो, ये आपका जो हर्मिका है ना दोस्तों, आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो अच्छे से, ये आपका हर्मिका है, ये है आपका हर्मिका, ठीक है। इस हर्मिका के अंदर ही आपका रेलिक बॉक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जो आपके इंपॉर्टेंट फिगर्स थे, यहाँ पे उनका जो अवशेष है उनको यहाँ पे आपके रेलिक बॉक्स में रखा जाता है, और इसी का आपका यहाँ पे पूजन आपका यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स करते हैं, ठीक है। तो आपको आर्किटेक्चर के बारे में दोस्तों पता होना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा आपका जो स्तूप आपका होता है, यहाँ पे आपके बुद्धिस्ट आपके मेडिटेशन, आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेशन करते हैं, और यही जो स्तूप आपके जो भारत में आपको पूरा इजाद आपको हुआ था, ये आपको पता बुद्धिस्म आपको पूरा ईस्ट एशिया में फैला, साउथ ईस्ट एशिया में फैला, ये फैलते फैलते अगर आप बात करोगे इसका जो आर्किटेक्चर है, इसमें आपको बड़ा आपको चेंज आपको देखने को मिला जब भी आपका भारत से आपका ईस्ट के ओर आपको बढ़ते गया, ठीक है ना। आपको आपको स्तूप के अलावा आपको शॉर्टेंस आपको देखने को मिलेंगे तिब्बत में, ठीक है। शॉर्टेंस कुछ इस प्रकार के आपके होते दोस्तों, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो ये शॉर्टेन का जो आर्किटेक्चर है कुछ इस प्रकार का आपका
का होता है, ठीक है, या आपको तिब्बत में आपको देखने को मिलेगा, आपको पगोडास आपको देखने को मिलेंगे, पगोडास आपके कुछ इस प्रकार के आपके होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बुद्धिज्म आपको फैला ना, वैसे आपको आर्किटेक्चर में आपको चेंजेस आपको देखने को मिले, स्तूप से फिर आपका शोरदेन, शोरदेन से आपको पगोडास, तो डिफरेंट आर्किटेक्चर आपका फैलता गया आपके पूरे विश्व भर में, ठीक है। और जो स्तूप का जो आर्किटेक्चर आपको नॉर्मली आपको हमारे जो मौर्य, हमारे जो एम्परर थे अशोक, उसके टाइम में आपको बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, आपको बुद्धिस्ट आपको पूरे आर्किटेक्चर में, ये आपका हर्मिका होता है सबसे ऊपर वाला पोजिशन में, ये आपका छतरी आपका होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये आपका जो पूरा आपका जो मौंड आपका जो गुंबज टाइप का आपको देख रहा है ना दोस्तों, इसको आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में अंडा आपका यहाँ पे बोला जाता है। और ये आपका देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका प्रदक्षिणी पथ, ठीक है। आपको अगर पता होगा, अगर आप हिंदुइज्म अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता, जो भी हमारे जो भगवान होते हैं, हम उनका यहाँ पे क्या करते हैं, चक्कर यहाँ पे लगाते हैं, सात चक्कर यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, प्रदक्षिणा करते हैं, ठीक है। तो बुद्धिज्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बुद्धिज्म में भी आपका यहाँ पे अंडा का आपका यहाँ पे क्या किया जाता है, आपका यहाँ पे प्रदक्षिणा किया जाता है, उसको यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ आपका यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हमारे कोर्स में आपको देखने को मिलेगी, आप उसको यहाँ पे रिफर कर सकते हो। तो गाइस, अब यहाँ पे बात करते हैं चाइना की पॉपुलेशन की, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी खबर है कि जो चाइना की जो पॉपुलेशन है, 1961 के बाद से आपको यहाँ पे पॉपुलेशन आपको डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। बहुत ही एक तरीके से आपको डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिला है दोस्तों, इसका ये मतलब है, व्हाट डू मीन बाय नेगेटिव आपका पॉपुलेशन ग्रोथ दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, जहां पे ऐसे देश में जहां पे आपका डेथ रेट आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है और बर्थ रेट आपको कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन किसी कंट्री में होता है तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका नेगेटिव ग्रोथ आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, और यही चीज आपको चाइना में देखने को मिला है। डेटा की बात करते हैं तो चाइना में आपको पता होना चाहिए लगभग आपका 9.56 मिलियन पीपल आपके 2022 में आपके बॉर्न हुए थे। अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन में, बर्थ के कंपैरिजन में बात करें, लगभग आपका उसी साल आपके 10.41 मिलियन लोग वहां पे मरे थे। तो जो मरने की संख्या है वो ज्यादा है, बर्थ की संख्या कम है, और ये आपको चाइना में 1961 के बाद से ऐसा सिनेरियो अब आपको यहाँ पे 2022 में आपको देखने को मिला, मतलब यहाँ पे आपका नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिला, ठीक है। चाइना का अगर हम बर्थ रेट बात करें यहाँ पे 2022 का दोस्तों, सिर्फ आपको 6.77 बर्थ पर 1000 पीपल आपको देखने को मिला है, और यही चीज आपको 2021 में ज्यादा हुआ करता था, 7.52 आपका हुआ करता, ठीक है। अब इसे कई आपका यहाँ पे रीजन दिया जा रहा है, इसमें आपको पता है कि यहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पे किस्म से मेन फैक्टर आपका बताया जा रहा है, ठीक है। तो वन चाइल्ड आपको पॉलिसी पता है, 2000 आपको किस्म से आपको बताना पसंद करूंगा कि आपका 1980 से इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया था, 2015 तक यहाँ पे एक ही चीज आपका रखा गया था कि चाइना में आपका एक बच्चा आपका सिर्फ रखा जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दो बच्चे भी अगर होते ना, आपका यहाँ पे किस्म से अबॉर्शन आपका हुआ करता था, बहुत एक किस्म से कह सकते हो कि हनन आपका यहाँ पे हो रहा था, फिर बाद में इतनी ज्यादा यहाँ पे हमें प्रॉब्लम चाइना में देखने को मिली, और रिसेंटली फिर आपका चाइना ने इसको आपका हटा दिया था, थ्री चाइल्ड पॉलिसी का आपका यहाँ पे चला गया था। बट अभी जो पॉपुलेशन का जो पूरा यहां पे जो सिस्टम है चाइना में, अभी भी आपका यहां पे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। देखते हैं इसको यहाँ पे डील कैसे करते हैं। वहां के जो आपके मर्द है वो भी आपकी शादी नहीं कर रहे, ठीक है, आपके जो मैन आपके यहाँ पे शादी नहीं कर रहे, वुमेन भी आपका यहाँ पे शादी नहीं करना चाहती, बच्चे आपके पैदा यहाँ पे नहीं करना चाहती है, क्योंकि उनके क्योंकि वहां की लेडीज को भी आपका पता कि आपका जो सोसाइटल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा आपका यहाँ पे कह सकते हो कि आपका एक तरह से प्रॉब्लमेटिक आपका, ठीक है। कई रीजन यहाँ पे है, बट हमें जो डेटा हमें पता होना चाहिए उतना हमारे लिए काफी है। तो गाइज, यहाँ पे आपको बोलना पसंद करूंगा कि जितने भी जो इंपॉर्टेंट आपके जो न्यूज थे, जो भी जो टॉपिक्स थे दोस्तों आज के रिगार्डिंग, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इन डेप्थ हमने यहाँ पे समझा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों, अगर आपको ऐसी डिटेल में अमेजिंग लेक्चर चाहिए और आप यहाँ पे दोस्तों आप डिफेंस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो, आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे SSB ग्रा एग्जाम्स में जाना है, हमारे वेबसाइट में जाइए, कई आपको अमेजिंग कोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप SSB इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, NDFK CDS का करना चाहते हैं, तो कई आपको यहाँ पे आपको कोर्स आपको इसके रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे, बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में आप इसको यहाँ पे दोस्तों अवेल यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सारे कोर्स आपको बंडल्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, सारे अपडेटेड लेक्चर्स कंटेंट्स, और जो हमारे से जो फैकल्टीज है आपके यहाँ पर पूरा यहाँ पे हम यहाँ पे सहयोग करते हैं, पूरा आपको यहाँ पे मदद करते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं पूरा आपको यहाँ पे गाइड आपको करते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे सक्सेस स्टोरीज है दोस्तों, आप यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे उससे इंस्पायर हो सकते हो, हमारे कई स्टूडेंट्स आप यहाँ पे सीख भी सकते हो, ठीक है। डेली करंट अफेयर का सेशन, डिफेंस अपडेट्स का आपको ऐसे रोजाना दोस्तों देखने को मिलेगा। आपको यहां पे क्या करना दोस्तों, आपको यहां पे सुबह 8 बजे शार्प आपको यहां पे आना है, और यहां पे आपको एक किस्म से आपको सारी चीजें आपको सीखनी है, और उसका जो PDF है दोस्तों ये आपको वेबसाइट से आसानी से देखने को मिलेगा। अब शुरू हो जाते हैं
आरंभ करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जहां पे हम जो भी हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इवेंट्स के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कई सारी चीजें यहाँ पे सीखेंगे। तो गाइज एक ही सवाल पूछूंगा, हाउज द जोश, ठीक है, आर यू गाइज रेडी और नॉट, जल्दी बताइए। चलो पहला सवाल आपके स्क्रीन में, इनमें से कौन सा आपका शहर है जो आपका भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट आपका बन गया है? चलो बताइए क्या इसका जवाब होगा, जल्दी बताइए। बहुत ही सिंपल, आपको यहां पे पता होना चाहिए कि केरल का जो आपका कोल्लम आपका जो जिला है, यह भारत का पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट आपका जिला आपका बन गया, जहां पे जनता को बेसिक राइट्स आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स उनको यहाँ पे पढ़ाए गए, और ये चीज आपके पूरे भारत में भी होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, बताइए मुझे इसका जवाब क्या है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ केरल? अगर यहाँ पे आप लाइव जुड़ चुके हो तो सेशन को लाइक जरूर करो यार। चलो क्या इसका आंसर होगा दोस्तों, केरल के हमें करंट के हमें कौन से इनमें से राज्यपाल हमें देखने को मिलते हैं, जल्दी बताएं दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारे आरिफ मोहम्मद खान जी, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जी हमारे क्या, केरल के हमारे करंट गवर्नर है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे सवाल, ओईसीडी ने हाल ही में आपका एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट किसको आपका अपॉइंट किया है? जल्दी बताए दोस्तों, जल्दी बताइए, टाइम वेस्ट हमें नहीं करना क्योंकि सारी चीज हमने डिटेल में की हुई है, ठीक है। तो ओईसीडी ने आपको दोस्तों पता होना चाहिए, क्लेयर लोमार्दिली जो आपकी यूके की आपकी है, इसको आपका यहाँ पे पता होना चाहिए, इनको यहाँ पे एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट चुना गया है, और ये आपकी ऑलरेडी आपकी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आपकी यूके की आपकी ट्रेजरी में आपकी रह चुकी है, ठीक है, एज एन एडवाइजर रह चुकी है, अब यहाँ पे आपके यहाँ पे ओईसीडी की आपके यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट आपके यहाँ पे बन गई है। नेक्स्ट यहाँ पे ओईसीडी का हेडक्वार्टर दोस्तों आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, जल्दी दोस्तों बताओ, जल्दी आज तो बता ही दो, तुम लोग आज बता दो मेरे शेरों, आपको तो एक चीज से गर्व होना चाहिए, भारत इतना खूबसूरत आपका यहाँ पे कंट्री है, वी आर सो ब्लेस्ड, खासकर अगर मैं वाइल्ड लाइफ की भी अगर बात करूं, भारत ही आपको ऐसा वन ऑफ द कंट्री देखने को मिलेगा जहां पे आपको टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं, लाइंस भी देखने को मिलते हैं, चीताज भी देखने को मिलते हैं, बताओ कहां देखने को मिलेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है आपका फ्रांस का शहर पेरिस। चलो दोस्तों बहुत बढ़िया, सबने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है। इनमें से आपका कौन सा कंट्री है जो ओईसीडी का मेंबर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओईसीडी, जल्दी बताओ दोस्तों, जल्दी बताइए और आगे बढ़िए। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि भारत आपका यहां पे ओईसीडी का मेंबर नहीं है, टोटल 38 कंट्री आपको आपको इसके मेंबर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहां पे नीला कुरुंजी जो आपका पौधा है, इसको आपका कौन से आपका सेक्शन में या फिर इसको क्लासिफाई किया गया है? इज इट अंडर द एक्सटिंक्ट लिस्ट, वल्नरेबल लिस्ट, और इट इज अ एंडेंजर्ड स्पीशीज? बोले जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। पर्यावरण जो हमारा मंत्रालय, इसका आपको पता होना चाहिए, नीला कुरुंजी को आपका यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिस्ट में आपका रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा उसके तहत, ठीक है, बहुत रेयर आपका है, वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलता है, और ये आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसकी जानकारी दोस्तों होनी चाहिए। नीलगिरी माउंटेन्स आपको इनमें से कौन से राज्य में आपको इसका फैलावट आपको देखने को मिलती है? जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, आपको पता होना चाहिए, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है कि जो आपका जो नीलगिरी माउंटेन्स है, जिसको ब्लू माउंटेन्स भी बोला जाता है आपका आपका नीला कुरंजी की वजह से भी, ठीक है ना, ये आपको तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वाले आपको बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आपको थोड़ा ईस्ट साइड आपको थोड़ा देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे B20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग आपको कहाँ पे होने वाला है, जल्दी बताए दोस्तों, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट में G20 कंट्रीज में उनका क्या योगदान हो सकता है ट्रेड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ये पूरा आपका जो पूरा आपका जो समिट है ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, B20 इंसेप्शन समिट आपको कहाँ पे होगा, तो मैंने आपको बताया था ये गुजरात के शहर आपको गांधीनगर में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, 22 से लेकर 24 जनवरी के बीच आपको पूरा इवेंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें बात करें दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा कंट्री है जो आपका G20 का मेंबर नहीं है, जल्दी बताए दोस्तों, जल्दी बताइए, रुकना नहीं है, थमना नहीं, इस बार कुछ भी हो जाए 2023 हमारा है, और यहाँ पे 2023 में हमें चाहे CDS हो, ND हो, FCAT हो,
हमें यहाँ पे क्रैक करना ही है, कोई एक्सक्यूज नहीं। आप किसी से गद्दारी करो कि नहीं करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने से कभी गद्दारी नहीं करना अपने एम्स में, सिंपल सी बात, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका कोलंबिया है, कोलंबिया आपका G20 का आपका यहाँ पे मेंबर नहीं है। चलो, भारत आपका G20 ट्रायड का आपका इसका शामिल आपका हुआ था, आपको पता है भारत आपके ट्रायड का आपका हिस्सा बना था, कौन से साल में आपका बना था? इंडिया ज्वाइन द G20 ट्रायड का इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? जल्दी बताइए, थोड़ा ट्रिकी सवाल आपका बन सकता है, ठीक है, जल्दी बताए दोस्तों। G20 ट्रायड में आपका भारत आपका कब आपका हिस्सेदार आपका बन गया था, आपका इंक्लूड हुआ था? तो आपको बताना पसंद करूंगा कि 2021 में आपका हुआ था, ठीक है। मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि 2021 में दोस्तों इटली आपका क्या हुआ था, दोस्तों इटली आपका G20 का आपका पूरा मेजबानी संभाल रहा था, और 2022 में कौन कर रहा था आपका, आपका यहाँ पे इंडोनेशिया आपका क्या हाल ही में पता होना चाहिए, ठीक है। और 2023 में आपको कौन करने वाला है, 2023 में हमारा भारत करने वाला है, ठीक है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो ये आपके जो तीन आपके जो पूरे आपके जो कंट्रीज है, ठीक है, इसको ट्रॉय का बोला जाता है, ठीक है। और जब आपका, मैं आपको बताना पसंद करूंगा, जब 2021 में आपका जब इटली आपका मेजबानी संभाल रहा था, तभी आपका भारत आपका ट्रॉयका का आपका यहाँ पे हिस्सा आपका बन गया था, अभी भी ट्रॉयका का पार्ट है, आपको ये भी पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आपको हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलता है, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये हमें न्यूयॉर्क में हमें दोस्तों यूएस में देखने को मिलता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन में, यूएनएससी का जो मंथली प्रेसिडेंसी आपको पता है रोटेशन वाइज आपका होता है, 2022 में भारत को कौन सा आपका मंथ आपका दिया गया था एज अ प्रेसिडेंसी, जल्दी बताइए। इंडिया अज्यूम यूएनएससी मंथली प्रेसिडेंसी इन जनवरी सितंबर और दिसंबर 2022, बताइए। हमने बारे हमने आपको बता दोस्तों, हमने डिटेल में अपने डेली करंट अफेयर के सेशन में इसको यहाँ पे कवर भी किया था कि भारत ने आपका दिसंबर महीने में ऑफिशियली आपका यहाँ पे प्रेसिडेंसी यूएनएससी का संभाला था, और जयशंकर जी इसको पूरा आपका यहाँ पे लीड आपका यहाँ पे कर रहे थे। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पे, ट्रिकी आपका सवाल है। आज हमने स्तूप के बारे में पढ़ा था, मिनिएचर हमें दोस्तों नालंदा के पास देखने को मिला, ठीक है। धामेक स्तूप आपको कहां पे देखने को मिलता है, धामेक स्तूप आपको कहां पे देखने को मिलता है, बताइए जल्दी से मुझे बताइए, धामेक स्तूप आपको कहां पे देखने को मिलता है। मैं आपको दोस्तों बताना पसंद करूंगा कि धामेक स्तूप आपको सारनाथ शहर में आपको दोस्तों देखने को मिलता है। देखिए कितना खूबसूरत आपका ये स्तूप आपको दोस्तों देखने को मिला, ठीक है। इसको पूरा आपका कंस्ट्रक्शन भी किया गया था और अंडर इसको मतलब रेनोवेट किया गया था आपका, और ये आपके एक सबसे बड़ा खूबसूरत है दोस्तों, ठीक है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। शांति स्तूप आपको कहां पे देखने को मिलता है, जल्दी बताए दोस्तों। मुझे पता सब लोगों का गलत जवाब है, मुझे पता है आपका जब धामेक स्तूप मैंने सवाल पूछा था कई लोगों का गलत होगा, मुझे पता है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स बेटा कभी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। शांति स्तूप कहां पे देखने को मिलता है, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ था। ये आपको खूबसूरत स्तूप आपको लेह लद्दाख में आपको दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट स्तूप भारत में है ना दोस्तों, इसकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें बात करते हैं, महाबोधि स्तूप आपको कहां देखने को मिलता है, जल्दी बताए दोस्तों, महाबोधि स्तूप आपको कहां देखने को मिलता है। लास्ट तीन क्वेश्चन में आप लोग गलत होंगे मुझे पता है, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि महाबोधि स्तूप आपको, अगर आपने नाम से भी गेस कर लिया होगा, तो ये आपको बोध गया में आपको स्तूप आपको देखने को मिलता है, बड़ा खूबसूरत स्तूप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट स्तूप हमें देखने को मिलते हैं भारत में, ठीक है, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, यही तो भारत की खासियत है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करता हूं, एक सवाल आपके लिए मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूं, क्या सवाल है दोस्तों, स्तूप के रिगार्डिंग है कि महास्तूप इनमें से आपको कौन से आपको शहर में देखने को मिलता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी यू विल फाइंड द महास्तूपा, सतना ऑफ मध्य प्रदेश, तोटला कुंड ऑफ आंध्र प्रदेश एंड सांची ऑफ आपका और सांची ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताइए कि आपने यहाँ पे क्या सीखा है। तो गाइस जो आज का जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कई सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखी है, समझी है, और मैं उम्मीद रखता हूँ आपको आज के सेशन में बहुत ही आपको फायदा यहाँ पे मिला होगा। तो गाइस फिर आपको बताना पसंद करूंगा, अगर आपको ऐसी अमेजिंग लेक्चर चाहिए, अगर आप यहाँ पे बहुत ही सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट हो, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे SSB ग्रा एग्जाम्स की वेबसाइट में जाइए और यहाँ पे आपको कई अमेजिंग कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप SSB इंटरव्यू का NDA CDS अपडेट का तैयारी करना चाहते हो, बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में आप इसको यहाँ पे आसानी से अवेल यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सारे कोर्स आपको बंडल्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे।
अपडेटेड लेक्चर्स कंटेंट्स, और यहाँ पे आपको बोलना पसंद करूंगा जो हमने से जो फैकल्टीज है वो आपको पूरा आपको अच्छे से आपको गाइड करते हैं रिगार्डिंग आपके प्रिपरेशन और यहाँ पे क्या चाहिए, ठीक है। डेली करंट अफेयर का सेशन, डिफेंस अपडेट्स का सेशन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, और सुबह 8 बजे आपको शार्प यहाँ पे आ जाना चाहिए, और दोस्तों के साथ लिंक को शेयर जरूर आपको करना चाहिए, और उसका जो PDF है ये आपको वेबसाइट के थ्रू आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। बताना आपको पसंद करूंगा, आपको अगर कोई भी कोर्स अगर आपको SSB ग्रा एग्जाम्स के थ्रू अगर आपको लेना है तो आपको यहाँ पे कोड इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वॉरियर हो तो Warrior 10 का कोड यहाँ पे इस्तेमाल करो, हर कोर्स में आपको 10% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस इसी जज्बे जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूं कल सुबह 8 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।